मोदी जी, मुझे लगता है कि अंबानी और अदानी का नाम लेकर के आपने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि शायद आप भूल गए, आपने जब नोटबंदी की थी तो आपने कहा था देश से कालाधन समाप्त हो जाएगा, इसलिए नोटबंदी की जा रही है। और अब आप कह रहे हैं बोरे भर भर के, टेम्पू भर भर के कालाधन कांग्रेस के दफ्तर पहुंचाया जा रहा है उद्योगपतियों के द्वारा, अंबानी और अदानी के द्वारा। तो अब सवाल आप पर उठता है, आप शायद बोलते बोलते फ्लो में बोल गए, भावनाओं में बह गए, आप भूल गए आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जिम्मेदारी आप पर बनती थी। आपने उस काले धन को कांग्रेस तक क्यों पहुंचने दिया, आपने रोका क्यों नहीं? और यदि आपको पता था और आपके पता होने के बावजूद भी आपने वो काला धन कांग्रेस तक जाने दिया तो इसका मतलब आपकी भी मिली भगत है। अब ये बात जनता को समझ में आ रही है, जवाब आपको देना पड़ेगा जनता को कि आपने नोटबंदी क्यों की थी, और अगर नोटबंदी से के बाद भी काला धन समाप्त नहीं हुआ तो नोटबंदी करने का औचित्य क्या रहा? कैसे टेम्पो में भर भर के, बोरों में भर भर के कांग्रेस के दफ्तर में नोट पहुंचाए जा रहे हैं अंबानी और अदानी के द्वारा, ये जानकारी आपको कहां से मिली है? आप वो जानकारी सार्वजनिक करिए। और आपने उन बोरों को रोका क्यों नहीं, उन टेम्पो को रोका क्यों नहीं, उसकी जानकारी भी आपको देनी चाहिए क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं।